आपको बताया कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट लेक्चर कवर करा दिया है, सेकंड लेक्चर कवर करा दिया है और आज का थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, यदि आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पढ़ने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके जो सेकंड सेमेस्टर का जो क्लासेज है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का लेक्चर 3। टोटल लेक्चर 6 या 7 होंगे और एक लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा एग्जाम से कुछ टाइम पहले के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट है बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं क्या? होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, पता है क्या आपको कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो चलो डेफिनेशन देखते हैं। पहले, इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिक सॉल्यूशन विच हेल्प टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये क्या होता है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या होता है ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सॉल्यूशन होता है जो मेंटेन करके रखता है सॉइल की फर्टिलिटी को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के द्वारा। सिंपल सी भाषा में कहें तो एक वर्ड, जो ये जो वर्ड है गिवन, जो वर्ड हमारा बायो फर्टिलाइजर्स गिवन है, इसका मतलब होता है कि किसी भी प्लांट की, किसी भी प्लांट को सुरक्षित रखना, चाहे वो या फिर कहें कि मिट्टी से या किसी भी जगह से जो भी उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना, जितने भी एक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स देना एक प्लांट के लिए, एक पौधे के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स देना, चाहे वो डायरेक्ट वे से दें या फिर इनडायरेक्ट वे से दें, एक प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स देने का काम करना, या तो डायरेक्ट होंगे या फिर इनडायरेक्ट होंगे, कोई से भी वे में हो सकते हैं, लेकिन एक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने का कार्य करता है, एक प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, या तो डायरेक्ट करेगा या फिर इनडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब यही होता है। इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि हम बीएससी लेवल में हैं तो थोड़े स्टैंडर्ड लेवल में है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सॉल्यूशन होता है जिसमें वो जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की हेल्प से। सेकेंड, हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग होता है और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर होता है। सिंपल सी बात है, हमें दो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर तो हमें सिंपल सी भाषा में पता है, जिसमें FYM आ जाएगा, कंपोस्ट खाद आ जाएगा, वर्मी कंपोस्ट खाद आ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा, जितने भी ऑर्गेनिक मैन्यूअर है, ग्रीन मैन्यूअर आ जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो वन बाय वन करेंगे, लेकिन अभी हम आज की जो क्लासेस में नाइट्रोजन फिक्सिंग और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग पे पहुँचने से पहले हमें ये एक चार्ट देख लेते हैं। ये हमारा बायो फर्टिलाइजर्स का चार्ट है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स की, बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग भी हमारा 2 तरह का होता है, एक सिम्बोटिक और एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होता है वो भी हमारा 2 तरह का होता है, एक सिम्बोटिक एक नॉन सिम्बोटिक। ठीक है, अब ये देखो चार्ट को, इसको आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ जूम करके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे बैक्टीरियाज कौन से लेग्यूम के हैं, कौन से नॉन लेग्यूम के, एग्जाम्पल वगैरह लिखे हुए हैं, इसको आप पोज करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर्स में हमने कहा था कि अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग N2O के बारे में, एक फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर के बारे में। इसके बाद देखो सिम्बोटिक नॉन सिम्बोटिक मतलब सारा जो चार्ट है उसका आने वाला है। ठीक है, वो चार्ट एक बार पोज करना, देख लेना, क्योंकि वो लास्ट टाइम रिविजन के लिए हमारे बहुत काम आता है। वर्ड हमें पता होते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि क्या मतलब किसके बाद क्या आता है, या फिर कौन सा वर्ड किस टॉपिक में आता है, या फिर कहें कि कौन सा वर्ड किस पार्ट सब वर्ड का पार्ट है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात कर लेते हैं, तो इट इज़ अ माइक्रोब्स विच कन्वर्ट बी नाइट्रोजन कंपोनेंट इनटू एब्जॉर्बल फॉर्म फॉर प्लांट। सिंपल सी बात है कि जो बी नाइट्रोजन, यहाँ पर बी है भाई, कैपिटल बी, ये क्या करता, ये वो माइक्रोब्स होते हैं जो बी नाइट्रोजन, जो हमारा बी नाइट्रोजन होता है उसके कंपोनेंट्स को
एब्जॉर्बल मतलब जो एक पानी में घुलनशील हो या जो प्लांट में घुलनशील हो, प्लांट में घुल जाए, प्लांट के पानी उसमें घुल जाए एक प्लांट के लिए, उनको एब्जॉर्बल बनाता है। ठीक है, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये वो माइक्रोब्स होते हैं जो नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या बनाते हैं, एब्जॉर्बल बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स को क्या बनाते हैं, एब्जॉर्बेबल बनाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह जो होते हैं। ठीक है, अब है सेकेंड, फॉस्फोलेट सोल्यूबलाइजिंग क्या होता है, इट वर्क्स ऑन टू चेंज द माइक्रोब्स इज अवेलेबल फॉस्फोरस ऑफ सॉइल इन टू अवेलेबल सोल्यूबल फॉल। सिंपल सी भाषा में अगर हम फॉस्फोलेट सोल्यूबलाइजिंग की बात करें तो ये हमारे किस पर वर्क करता है, कि जो माइक्रोब्स होते हैं जो फॉस्फोरस में अनअवेलेबल होते हैं, अनअवेलेबल है भाई यहाँ पे, अनअवेलेबल हमारे फॉस्फोरस के मतलब जो माइक्रोब्स हमारे फॉस्फोरस के लिए अनअवेलेबल होते हैं उनको सोल्यूबल के फॉर्म में अवेलेबल कराता है। क्या है मतलब, जो अनअवेलेबल है जो फॉस्फोरस के मतलब माइक्रोब्स को, इसका मतलब क्या, इट वर्क्स ऑन टू चेंज द माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को चेंज करने में काम करता है जो अनअवेलेबल फॉस्फोरस एट ऑफ सॉइल, जो अनअवेलेबल फॉस्फोरस है ना सॉइल को, उसको अवेलेबल बनाता है, सोल्यूबल फॉर्म में कर देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिम्बोटिक। सिम्बोटिक का मतलब होता है सहजीवी, जैसे कि राइजोबियम होगा। राइजोबियम क्या होगा, इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन बायो फर्टिलाइजर, ये हमारा एक बायो फर्टिलाइजर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द लेग्यूम क्रॉप्स, ये हमारा जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन बढ़ाने का कार्य करता है। इन लिविंग फॉर्म इट गोज इन टू द रूट ऑफ लेग्यूम क्रॉप एंड फ्लोरिंग प्लांट एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिविंग एंड लाइव इन एटमोसफेयर फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डू फिल द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिंपल सी अगर भाषा में हम बात करें तो ये लेग्यूम मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में कहें कि इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायो फर्टिलाइजर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द लेग्यूम क्रॉप, ये लेग्यूम क्रॉप में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जो कि एक जीवित मात्रा में हमारी जो प्लांट्स हैं, जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं, उनकी रूट्स में चली जाती हैं। ठीक है, जीवित मात्रा में ये हमारा नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, फिर ये जो होता है ये हमारी जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उनकी जड़ों में चला जाता है। उसके बाद फ्लोरिंग प्लांट एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिविंग फॉर्म, यानी कि एक फ्लोरिंग प्लांट में भी चला जाता है। फ्लोरिंग प्लांट जो होगा जिसमें फूल लगे हुए होंगे, और ये किसकी एक लिविंग प्रेजेंट होता है, इसकी एक लिविंग की फॉर्म में एक प्रेजेंट होता है, और ये एटमॉस्फेयर में रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, और किसी भी प्लांट को जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत है उसकी उस मात्रा को या उसकी उस आवश्यकता को फुलफिल कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है सोयाबीन के पेड़ में होता है, और किसमें के पेड़ में होता है, अल्फा अल्फा के पेड़ में होता है। ये इनके बोटैनिकल नेम हैं मैलियोटी और जैपोनिका। ठीक है, सोयाबीन को जैपोनिका बोलते हैं और अल्फा अल्फा को मैलियोटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे, अब हम बात कर लेते हैं नॉन सिम्बोटिक, मतलब सिंपल सी बात है जो गैर सहजीवी। सिम्बोटिक जो सहजीवी होते हैं, जैसे कि राइजोबियम होता है, अब हमारा राइजोबियम सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, सोयाबीन का प्लांट होता है और अल्फा अल्फा का प्लांट होता है। अब हम बात कर लेते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की, जो गैर सहजीवी की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारा एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम का मतलब होता है इट इज़ यूज्ड इन मोस्ट क्रॉप्स, ये हमारा ज़्यादातर क्रॉप्स में यूज्ड होता है, एंड आल्सो हेल्पफुल इन लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, और किस में हेल्पफुल होता है ज़्यादा, ये हमारा लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो जीवित माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनमें हेल्पफुल होता है। और ये हमारा किसके साथ वर्क करता है, इट वर्क विथ लिविंग फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर फॉर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट, मतलब ये जो ग्रोथ हार्मोन है उसको सिक्रेट करने के लिए एक जीवित प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेसर का कार्य करता है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, वर्क करने में। ठीक है, अब क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन हो गया, गिबरेलिन हार्मोन हो गया, आई ए हार्मोन हो गया। ठीक, अब सेकेंड आता है हमारा एजोस्पिरिलियम ब्रासिलेंस। ठीक है, ये हमारा वीट और मेज में यूज होता है। ठीक है, अब आता है हमारा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या होता है, ये एक लूज एसोसिएशन है, मतलब बहुत ज़्यादा लूज एसोसिएशन है प्लांट्स में, जिसका जो यूज़ है
जो यूज़ है एजोबैक्टर का वो 32 to 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर में 32 से 35 किलोग्राम इसका यूज़ करना चाहिए हमें एजोबैक्टेर का, और ये हमारा नाइट्रोजन को बचा के रखता है। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारा वीट और राइस, यानी कि गेहूँ, चावल, ब्राज़ील और बाजरा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे की, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और BGA की फुल फॉर्म लिखने को भी आ जाती है कई बार क्वेश्चन में कि BGA की फुल फॉर्म क्या होती है, एक नंबर की क्वेश्चन आ जाती है। ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जो हमारा किन में पाया जाता है, सिर्फ उन प्लांट्स में जो वाटर लॉगिंग कैपेसिटी होती है, जिनको पानी की मतलब पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे वीट प्लांट्स होते हैं, या फिर कहें जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन को कर दिए, वो प्लांट्स जो हमारे सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन की उपस्थिति में ही होते हों। सिंपल सी बात है, जैसे कि जो क्रॉप्स है, जो हमारी राइस है, जो चावल है, वो तभी तो अच्छे होते हैं जो हमारे खेत में काई जम जाती है। अब ये सिक्रेट करते हैं एक तो विटामिन B12, एक ऑक्सीन और एक गिब्रेलिन, इन विटामिन को ये सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उससे अगले वाले बैक्टीरिया की, वो होता है एजोला। एजोला को हम नॉन नोड्यूल भी बोलते हैं। ये एक प्रिमिटिव फ्री टाइप ऑफ वाटर थिंग्स, प्रिमिटिव फ्री टाइप, फ्री टाइप, ये एक प्रिमिटिव फ्री टाइप ऑफ वाटर थिंग्स हैं, वाटर की थिंग्स हैं, प्रिमिटिव फ्री टाइप। ये हमारा चाइना, बर्मा, जापान, इंडिया, वेस्ट कोरिया, इनमें बनता है, और इनमें बहुत ज़्यादा इनमें ये पाया जाता है एजोला, और इनमें ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, और यही इसी जगह पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो लीफ के द्वारा होगा, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे की हेल्प से होगा। किस किस के द्वारा होगा ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है एजोला में, एजोला में किसकी वजह से होगा हमारा फिक्सेशन, लीफ की वजह से, फिर ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से। अब स्पीसीज की बात कर लेते हैं एजोला की। एक है एजोला पिनाटा जो है वो हमारी इंडिया में पाई जाती है। इसके बाद ये जो कैरी ली एनिया नीलोटिका फिलू कोलोइड्स माइक्रोफाइला फाइला और मैक्सिकना, ये हमारी अदर वेराइटीज़ हैं जो किसकी है, एजोला की स्पीसीज़ हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमारी इंडिया की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, एजोला पिनाटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं फॉस्फेरस एब्जॉर्बेंट, या फिर VAM भी बोलते थे उसको। बहुत सारे ग्रुप्स में, प्लांट्स में ये एक सिम्बोटिक फॉर्म में पाया जाता है, और ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है सॉइल में, और प्लांट की रूट को क्या करता है, सप्लाई करता है। इसका एग्जांपल है ग्लोमस। ठीक है, PSB क्या होता है, ये एक हाइड्रोलाइजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक को बनाता है, किसमें, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में, और कंपाउंड्स इनटू हाइड्रोलाइसिस, जो कंपाउंड हमारे हाइड्रोलाइसिस के होते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं हम। अब देखो इनकी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उनके कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सीड ट्रीटमेंट, फर्स्ट मेथड क्या होता है हमारा सीड ट्रीटमेंट। सेकंड क्या होता है, रूट डिपिंग। थर्ड क्या होता है, रूट एप्लीकेशन। फोर्थ क्या होता है, फील्ड कल्टीवेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो सीड ट्रीटमेंट होता है वो एक मोस्ट कॉमन मेथड है, हाई इफेक्टिव है लेग्यूम क्रॉप्स के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन करता है सीडलिंग और जर्मिनेशन की स्टेज पर, जिसकी राइजोबियम और PSB। अब रूट डिपिंग की हम बात कर लें तो ये एक ट्रांसप्लांटिंग पैडी और वेजिटेबल क्रॉप है, जिसमें एजो स्पायरुलम का यूज़ होता है। अब ये एक न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें सीडलिंग से और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म से। अब सोइल एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो ये PSV इन FYM, जो FYM है और जो रॉक फॉस्फेट है मिक्स्ड विद, इनके साथ मिक्स्ड होता है, और ये अप्लाइड होता है फील्ड में बिना किससे, बिफोर लेवलिंग, यानी कि कुछ भी बहुत चीज़ बोने से पहले। लास्ट हमारा पॉइंट आता है फील्ड कल्टीवेशन, तो द फीडिंग ऑफ एजोला डन इन राइस फील्ड, यानी कि जो फील्डिंग होती है ना एजोला की, जो खेती होती है वो हमारा राइस फील्ड में होती है, क्योंकि ये सबमर्ज कंडीशन में उसमें लाइव रहता है। ठीक है, अब लास्ट की बात कर लेते हैं। अब देखो मेथड ऑफ एप्लीकेशन, देखो इसको जूम करके देख लेते हैं, जैसे वो चार्ट था उसका, तो तुम क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसमें देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, जैसे कि राइजोबियम है,
उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सिम्बोटिक है, यानी कि सहजीवी और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसकी जो क्रॉप्स है वो लेग्यूम क्रॉप हैं, जैसे कि पल्स की होती हैं। और इसकी एप्लीकेशन के मेथड की अगर बात करें तो सीड ट्रीटमेंट है, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट से होता है। और इसके रोल ऑफ इंक्लूसेंट, अगर इसके इंक्लूसेंट के रोल की बात करें तो 200 ग्राम पर केजी है। इसके रिमार्क की बात करें तो लीव्स रेसिड्यूअल नाइट्रोजन इन सॉइल फॉर नेक्स्ट क्रॉप, मतलब ये नाइट्रोजन के रेसिड्यूअल छोड़ देता है एक क्रॉप में, जिससे कि अगली क्रॉप जो हमारी होगी वो अच्छी हो, ठीक है। अब एजोटोबैक्टर की हम बात कर लेते हैं, इसका मोड क्या है, नॉन सिम्बायोटिक यानी कि ये गैर सहजीवी है। ज़्यादातर जो क्रियल्स होते हैं जैसे कि कॉटन और वेजिटेबल्स, या उसमें जो क्रॉप्स हैं इसकी ये हैं। और मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट है। और इसके इनोसुलेंट रोल की बात करें तो 200 ग्राम पर केजी है। और ये हमारा रिमार्क क्या है, कंट्रोल सर्टेन डिसीज, यानी कि बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। इनके कार्य हैं कि क्या क्या करते हैं। अब है एजोस्पायरलम की अगर हम बात करें तो एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में एसोसिएटिव, ठीक है। और देखो इसकी जो मोस्ट क्रॉप्स होती हैं एजोस्पायरलम की, वो होती हैं हमारी नॉन लेग्यूम क्रॉप्स जो होंगी, इसकी मेज राइस बरेली एक्सेट्रा। और इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सीड ट्रीटमेंट्स है। और अगर हम रोल ऑफ इनोसुलिन की बात करें तो 200 ग्राम है। और इसके रिमार्क की बात करें तो प्रोड्यूस ग्रोथ प्रमोटिंग फॉर प्रमोटिंग सब्सटेंस, मतलब ये एक किसी भी सब्सटेंस को प्रमोट करता है क्या, ग्रोथ। और फॉस्फेट्स अगला है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर, अगर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर की बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, सोल्यूबलाइजर का है। जो अगर मोस्ट क्रॉप्स की बात करें तो इसमें सारी क्रॉप्स आती हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट है। और अगर हम रोल ऑफ इनोसुलेंट की बात करें तो 200 ग्राम पर हेक्टेयर है। और इसका रिमार्क क्या है, इट कैन बी मिक्स रॉक फॉस्फेट, इसमें क्या होते हैं रॉक फॉस्फेट के साथ मिक्स हो जाता है। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉन सिम्बायोटिक है, जो गैर सहजीवी होते हैं। अगर इनके क्रॉप्स की बात करें तो ये चावल की जो क्रॉप है, धान है, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। एप्लीकेशन की अगर हम इसकी बात करें तो एप्लीकेशन इसकी सोइल है। और अगर इसके हम इनोसुलेंट की बात करें तो 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। और ये रिड्यूस सोइल एल्कलाइन एंड दे हैव ग्रोथ प्रमोटिंग, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। और उसकी बेसिसिटी, किसी भी क्रॉप की बेसिसिटी एल्कलिनिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अजोला, अजोला हमारा सिम्बायोटिक है। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक है, मतलब वो सहजीवी है। और अगर इनके क्रॉप्स की बात करें तो ये राइस में पाया जाता है। और इसके मोस्ट ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो सोइल एप्लीकेशन इसका मेथड है। और इसके रोल ऑफ इनोसुलेंट की बात करें तो एक टेम्परेचर पर हेक्टेयर ड्राई मटेरियल। और इसकी अगर उसकी बात करें कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है तो ये हेल्प करता है हमारा, ये हमारा किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करता। लास्ट आता है हमारा VAM, यानी कि सिम्बायोटिक होते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। और इसके अगर क्रॉप्स की बात करें तो ट्री की सारी स्पीसीज और सारी नोमेंटल क्रॉप जैसे कि वीट, ठीक है। और इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो सोइल है। और इसके रोल ऑफ इलूशेंट इसका कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इसके रिमार्क की बात करें तो सीडलिंग थ्रो इनोक्यूलेशन, मतलब सीडलिंग उसके इनोक्यूलेशन के थ्रू, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज की जो क्लास है वो समझ में आ गई होगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहला नहीं पढ़ा है तो आप इस चार्ट को पढ़ के जाइए, क्योंकि ये हमारा आ जाता है, ये हमारा क्वेश्चन ज़रूर हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें आता है, ये बैक्टीरिया का या फिर कल्चर टिश्यूज़ का या फिर कुछ भी कह के दे दिया जाए, किसी एक नंबर का पूछ लिया जाए, दो नंबर का, पाँच नंबर का, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बिल्कुल ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो इसको पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।